लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे चंदन छुप गया। हाँ दादाजी मैं छुप गया, मुझे ढूंढो। मैं आंखें खोलूं? हाँ खोलो। तेरे को नहीं मालूम मालिक। तो दांत तो निकलता नहीं मालूम तो। तो आप पूछते काहे को है? खेल में बताने का नहीं होता मालिक। मुझे खेल सिखा था भाग यहां से, मैं ढूंढ लूंगा। दादाजी काय झालं? तो कुछ नहीं, वो चंदन के साथ आंख मुचोली खेल रहा था। यहाँ छुपा तो नहीं है? नहीं यहाँ तो नहीं आया। तो हंस करो, मैं कहाँ से रहूं? कहाँ छुप गया होगा? छुप गया रे? अरे निकल भाई, मैं हार गया। अरे तू कहाँ था? तुम्हारे पीछे था दादाजी। ठीक ही। तुम हार गए दादाजी, तुम हार गए। हाँ मैं हार गया। अच्छा अब तुम जुओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। नहीं नहीं मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर फुटबॉल ही खेल लो। अरे फुटबॉल खेलने के बाद चला गया मेरा, तेरे स्कूल जाने के बाद आ गया। चल चल। जल्दी से नहाने का पानी रख दो, आज कितनी देर हो गई है। कब नहाएंगे, कब पूजा करेंगे, कब नाश्ता करेंगे? पूजा करके नाश्ता करेंगे? अब चल के देखिए तो सही क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बाजी? नहीं नहीं नहीं, मैं मुर्गे के अंडे खाऊंगा। तू बॉलिंग कर ही नहीं सका था, यहाँ पड़ गई मुझे। ये क्या बाबूजी,
ना स्नान किया ना पूजा की और नाश्ता खाने लग गए। पूजा ही तो कर रहा हूँ बहू, यही तो मेरी पूजा, अपने प्लेट से वो खिला रहा है, यही प्रसाद है। जानती हो माँ, दादा मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तू ही मेरा कृष्ण गोपाल है, भगवान है। अच्छा माँ तुम ही बताओ, भला मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? भगवान तो गाय के साथ खेलते थे, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ। बेटे ये जमाने जमाने की बात है, उस जमाने में लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। एक बार नहीं मैं अंडे खाऊंगा। नहीं नहीं बस बस हो गया, चल अब स्कूल का वक्त। जा जा स्कूल जा। टाटा टाटा। जय हो बजरंग बली की। अरे हो गंगाराम भैया। अरे आई के बहादुर सिंह। अरे बबुआ। अरे ई लो, ये तो बहुत अच्छे फूल हैं काका। अरे गंगा राम की दुकान के हैं, कोई अहरे गहरे के हैं नहीं। अरे जौने तौन हम तुम्हार वास्ते चुन चुन के लाए हैं ये फूल। हाँ इसका नाम है दिल खुश गुलाब का। का दिल खुश गुलाब। हाँ अच्छा गंगा राम भैया चले। अच्छा टाटा टाटा। ए बबुआ आज शाम को हम तुम्हारे साथ किट किट खेलेंगे। अरे गंगा काका कितनी बार का है, किट किट नहीं क्रिकेट। आहा हुई ना। अरे वो हमारे साथ मजाक मत करो तुम, अब तुम जाओ। अरे गंगा राम तू चंदन को रोज फूलों का गुलदस्ता देते हो और पैसा भी नहीं लेते, आखिर बात क्या है? लाल जी तुम्हार शादी हुई का नहीं? बाल बच्चा? अरे लो जब शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से हुई? जब बच्चा ही नहीं तो बच्चे का प्यार का समझो। बात ये है लाल जी भैया, हमार जोरू और हमार मुन्ना है देश माँ और हम इया परदेश माँ। हम जब भी बबुआ को देखत है हमार दिल भर जात है। हम उनका फूल देते हैं तो हमको ऐसा लगत कि हम अपने मुन्ना को देते हैं और वो स्कूल में मरियम माता के चरणों में फूल चढ़ाए तो हम ये समझत कि हमार मुन्ना को आशीर्वाद मिल गया। का 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 आशीर्वाद का मुन्ना को। हाँ मुन्ना को। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। तुम्हारे दादाजी और मम्मी अच्छे हैं ना? यस फादर। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे को तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन तो बहुत इजी था यार, बहुत इजी था। लो मोटू मास्टर की गाड़ी आ गई। लो आ गया मोटू मास्टर और साथ में दो दो नौकर भी। अरे कुछ दिनों में और मोटा हो जाएगा तो साथ में चार चार नौकर उठा के लाएगा। तुम सब मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं सबको दे दूंगा। ये क्या एक दूसरे से मारा मारी कर रहे हो? सर ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बहुत बुरी बात है, आपस में झगड़ा करते हो। चलो हाथ मिलाओ आपस में, चलो जल्दी करो। और श्याम सुंदर बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, आइंदा अपने नौकरों के साथ स्कूल के कंपाउंड में मत आया करो। आई एम सॉरी फादर, आगे से ऐसा नहीं होएगा। वेरी गुड बॉय, चलो गो टू योर क्लासेस, हरी अप। सिट डाउन बॉय, सिट डाउन। आज तुम लोगों को मैं सेकंड टर्मिनल एग्जाम का रिजल्ट सुनाती हूँ। चंदन कुमार फर्स्ट, रमेश चंद सेकेंड, बाकी सब बच्चे पास हैं सिवाय श्याम सुंदर के। जी तुम फेल हो। लेकिन टीचर मुझे तो पास होना चाहिए था, मुझे घर में दो दो टीचर पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले तुम हो तो पढ़ाने वाला क्या करेगा, इस बार ध्यान से पढ़ना तो पास हो जाओगे। जाओ बच्चों आज तुम सब लोगों की छुट्टी। कॉन्ग्रेचुलेशन चंदन। थैंक यू। मगर ये क्या आंखों में आंसू भर के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है चंदन कि मैं तुम्हारे मुकाबले में बस कभी नहीं आ सकूंगा। तो क्या हुआ, सेकंड तो आओगे? सेकंड आने से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो स्कॉलरशिप ना मिली तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई है,
और मेरे पिताजी मुझे इतनी फीस भर के पढ़ा नहीं सकते। अरे चंदू, ये दादाजी इतने जल्दी कैसे आ गया? आज हमारे सेकंड टर्म एग्जाम का रिजल्ट निकला है ना। तेरी सूरत क्यों थी, फेलवेल तो नहीं हो गया? फेल कैसे हो जाऊंगा दादाजी, फर्स्ट आया हूँ। अरे वो तो मैं जानता हूँ, तो चल खुशियाँ मना है। कहाँ? अरे चमेली के बाग में। और मेरी की डाली टूट गई, चद्दर बिछाऊंगा और चद्दर का कोना फट गया, दर्जी बुलाऊंगा और दर्जी की सुइया टूट गई, घोड़ा दौड़ाऊंगा। और देख लीजिए दोनों का तमाशा। नमस्ते दादाजी। अरे पीटर सुनील, कब आए तुम? मैं तो आज ही आया हूँ। लो बेटे तुम्हारा प्रेजेंट प्लानर से। चाचा जी, मैंने डिस्पेंसरी जैसे भाभी को फोन किया, इन्होंने कहा फोन चले आइए। क्या हुआ तुम्हें बहू? मुझे कुछ नहीं हुआ बाबूजी, आप ही ने तो कल रात एस्प्रो मांगा था, जरा देख लीजिए ना कहीं बुखार ना हो गया। ओ, देख लो बहू को तसल्ली हो जाएगी। कल सर में जरा सा दर्द हो गया बहू, तुम तो खामोखा चिंता करती हो। चिंता नहीं करूंगी, परहेज करना चाहिए लेकिन कभी नहीं करेंगे। अभी कल ही की तो बात है, दोनों ने मिलकर दो दो रुपए की चाट खा ली, अब बताइए। पर इसमें कोई खास तकलीफ तो नहीं है बहू, सिर्फ हम दोनों के पेट में वो क्या कहते हैं हमेशा होता है वायु 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 और वायु पैदा हो गई, बस वो वायु निकल गई, सर का दर्द गायब। चाचा जी आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। देखा ना बहू, बदपरहेजी ने परहेज का काम कर दिया। डॉक्टर आज तुम्हें मेरे साथ बदपरहेजी करनी होगी, यानी कि यानी गोभी के पराठे, दही की गुइयां और माश की दाल घी में तल के खिलाओ। चाचा जी देखिए तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। तकलीफ मुझे नहीं तुम्हें होगी, गैस होगा पेट में। और बेटा तुम्हें तकलीफ देने का मुझे हक है, क्योंकि तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। मैं भी बंदोबस्त कर देती हूँ, चल चंदन। अरे डॉक्टर जी, तुमने मेरी राय मान ली या नहीं? चाचा जी वो होम्योपैथी। अरे पेट में गैस हो, दो ड्रॉप एकोनाइट चम्मच पानी। चाचा जी नट्स वोमिका। हाँ यार नट्स वोमिका, भूल जाता हूँ। बाबूजी। हाँ बाबा। आप एल्बम देख रहे थे? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद सुनील को देखकर अरुण की याद आ गई। 7 साल हो गए जब एक्सीडेंट के बहाने भगवान ने अरुण को हमसे छीन लिया। दूध पी लीजिए बाबूजी। रख दो बहू, बाद में पी लूंगा। सुनो ये चंदन सो गया क्या? अभी नहीं, क्यों? आज जरा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा था कि बुला लाऊं। रहन दो बहू, बदमाश मेरे पास कहाँ सोने वाला है? वो तो हमेशा यही कहता है कि मैं दादाजी के पास सोऊंगा, मैं ही रोक लेती हूँ। रात भर बिस्तर पर इधर से उधर नाचता रहेगा, न खुद सोएगा न आपको सोने देगा। अच्छा, दादाजी से मेरी शिकायत हो रही है? अरे बदमाश, देखा चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था। कुछ नहीं सुना माँ, सिर्फ इतना सुना कि दादाजी चाहते हैं कि मैं उनके पास सोऊं, इसलिए मैं अपना तकिया भी ले आया हूँ। क्यों दादाजी, अच्छा किया? अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। देखो अब दादाजी को तंग न करना, चुपके से सो जा। जाती कहाँ हूँ माँ, मुझे सुला के सो जाओ। रोज रोज की जिद अच्छी नहीं, सो जा। माँ को जाने दे, मैं तुझे सुलाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, अगर तुम गाओगे ना तो मैं सुबह तक नहीं सो सकूंगा। गाओगे ना? हाँ बाबूजी, इसे हर रात लोरी सुनने की आदत पड़ गई है, जब तक मैं गाऊंगी नहीं ये सोएगा नहीं। अरे उल्लू का पट्टा, तू अकेले अकेले लोरी सुनता है बहू? आज तो लोरी मैं भी सुनूंगा, चल ले जा। Thank you.
देख रहे हो अपने बेटे और पिता का प्यार। भगवान उन्हें इसी तरह सुखी रखे। अरे डाक बाबू, चिट्ठी। हमारा चिट्ठी? अरे ये तो हमारे जोरू की चिट्ठी। सुनो सुनो भाई, पढ़ के तो सुनाओ। सरकार हमें चिट्ठी बांटने की तनख्वाह देती है, पढ़ने की नहीं। अरे तो हम कौन सा मुफ्त में पढ़ा रहे हैं? अगर तुम हमारी चिट्ठी पढ़ दो तो हम तुम्हार जोरू के वास्ते ये गुल बदन बेनी देव का ला पढ़ दूं। हाँ पढ़ो जरूर, लेकिन सुनना नहीं। जरा कान में उंगली धरो। अरे जरा कान में उंगली धरो। क्यों? अरे ये हमार रानी की चिट्ठी है, सिर्फ राजा ही सुन सकता। अरे लेकिन मैं कान में उंगली डाल लूंगा तो पढ़ूंगा कैसे? अरे क्या ए, ए आइसे बहुत अकलमंद हो। सुनो जल्दी। हाँ श्रीमान जी, मुन्ना के बापू को मुन्ने की माँ का चरण छूना पहुँचे। हाँ पहुँचा। यहाँ भगवान की दया से सब राजी खुशी है। तुम कब आओगे? हमारा तन तो यहाँ है पर मन तुम्हारे पास है। अरे हमारा भी यही हाल है मुन्ना की माँ। अरे तुम आगे पढ़ो। हाँ वहाँ तुम्हारी दुकान में फूल भरे हुए हैं, पर यहाँ हमारे आंगन में भी बहुत से फूल खिले हैं। चंपा, चमेली, गेंदा, मोगरा। अच्छा पर यहाँ के फूलों को कोई खरीदेगा नहीं तो क्या हुआ? मैं रोज उनकी माला बनाकर तुम्हें पहनाया करूंगी और सामने बैठा के तुम्हें देखा करूंगी। अरे छटिया गए हो क्या? अरे ये कोई बात है? अगर माला पहना के बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हवा? बीच में बर्दाश्त मत करो। डाक बाबू जरा जोश खा गया था। आगे चलो। मुन्ना की पढ़ाई ठीक चल रही है। ये हुई ना बात। फिर वो रोज तुम्हारे बारे में पूछता है। दिवाली के हफ्ता बर्बाद उसका जन्मदिन है। सो तुम 10-15 दिन के लिए जरूर जरूर आ जाना। तुम्हारी चरण दासी मुन्ना की माँ। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। ए डाक बाबू, ई लो हमार भाभी के लिए गुलबदन बेनी का। का हमार भाभी के लिए? मैं भाभी होगी तुम्हारी? मेरी तो पत्नी है। लाओ। ए डाक बाबू, अरे ये चिट्ठी में हमार मुन्ना का नाम कहाँ लिखा है रे? मुन्ना यहाँ लिखा है। यहाँ? हाँ। हमार मुन्ना। दादाजी। क्या? क्या? आपकी चिट्ठी लाया हूँ, 40 पैसे निकालो। 40 पैसे? बेरंग है। दीनदयाल गुप्ता कानपुर। सारा बैंक चिट्ठी भेजता, वापस कर दो। जो थे देखो तो किसकी चिट्ठी वापस कर रहे हो? देखो। अरे ये तो मेरे भाई की चिट्ठी और आप वापस कर रहे हैं? दे दीजिए पैसे इसे, दे दीजिए ना। ये ले। दो कम है। अबे दो पैसे का एक बार नहीं मुझ पे, अगली दिवाली को ले लेना। चल अगली दिवाली। पोस्टमैन के सामने मेरे भैया को गाली देते हो, शर्म नहीं आती? अरे साले को साला कहना गाली है क्या? और नहीं तो क्या, वो टिकट लगाना भूल गए। आप 40 पैसे भी नहीं दे सकते। शादी के वक्त तो उनसे पूरे 30,000 रुपए वसूल किए थे। वो सब तो 30 साल में खा खा कर तुम हजम भी कर चुकी हो। शर्म करो, शर्म करो। रात दिन पैसा ही पैसा, तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है। हाँ मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए तो लोग मेरी इज्जत करते हैं। वही लोग पीठ पीछे गाली भी देते हैं। एक शिव शंकर जी है, लोग उन्हें कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं। शिव शंकर जी, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए उनकी तारीफ करने का। तारीफ करने के लिए भी कोई कारण होता है। उस दिन मोहल्ले के बच्चों ने क्रिकेट क्लब खोला, उन्होंने सब कुछ खरीद दिया, सबने चंदा दिया, तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। यहाँ तक कि गंगाराम डिसूजा ने भी 2-2 रुपए दिए। अरे अच्छा किया तुमने डिसूजा की याद दिला दी। वो राजेश कहाँ है? राजेश जी पिताजी। अरे क्या कर रहा था? पिताजी पढ़ रहा था। तू दिन रात पढ़ता रहता है और मेरे धंधे का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। डिसूजा क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? अरे उससे 3 महीने का किराया लेना है। ये हंस रहा है। अरे जाके वसूल करना जल्दी। खड़ा कर, जल्दी जा, जल्दी कर। जाओ एक कप चाय ले आओ, दूध शक्कर मत डालना। ये डिसूजा साला दिन रात पीता रहता है और मेरा किराया नहीं देता। बेबी फिश फ्राई लाओ।
आज फिर दिन में चालू हो गया। ये जो काम रात को हो सकता है वो दिन को कहीं नहीं। मगर तुम तो कसम खाया था। वो तो दारू पीने से पहले कसम खाया था, दारू पी के तोड़ दिया। जा फिश फ्राई ला। हम अभी तुमको फ्राई करके खाएगा। डार्लिंग तुम तो हमको पहले ही कच्चा खा गया, अब रह क्या गया जो फ्राई करके खाएगा। जास्ती बात मत बनाओ, हम तुमको मकान का भाड़ा देने को 210 रुपया दिया था। यस दिया था। उसका रसीद किधर है? उस पैसे से तो दारू का पुराना बिल चुका दिया और नया माल ले आया। Come on, have a sip. You idiot, dirty girl! तुम हमारा गिलास तोड़ा, हम तुम्हारा गाल तोड़ेगा। तुम हमको मारा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुमको डाइवोर्स करेगा, हम जाता। हाँ, जाओ, go away, get out. मिस डिसूजा, मैं हूँ राजेश, मैं भाड़ा लेने आया हूँ। सॉरी, हम इसको भाड़े का पैसा दिया, ये सब दारू में खर्चा कर दिया। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पिताजी से क्या कहूँगा। मिस्टर डिसूजा, देखो राजेश, भाड़े के बदले हम अपने वाइफ को तुम्हारे पास मोड़ के रखता, तुम इसको ले जाओ। व्हाट? मिस्टर डिसूजा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो दारू पी पी कर पागल हो गया, मैड हो गया है। क्या बात है भाई, किस लिए शोर मचा रहे हो तुम लोग? आइए राजा, वेलकम। किस लड़की को ले आए यहाँ, चिल्ला रही है? दादाजी, मैं नहीं लेकर आया, ये इनकी वाइफ है। वाइफ? जी, थर्ड वाइफ। थर्ड? ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा डिसोजा, ये तुम्हारी तीसरी बीवी है, इसके साथ तुम झगड़ा क्यों करते हो? इसके साथ तो तुम्हें प्यार होना चाहिए, क्यों राजेश? जी दादाजी। ये राय साहब बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। झूठ बोलता है सर, ये बिल्कुल झूठ बोलता है। शादी के वक्त हमसे बोला नया दागिना बनाएगा, मॉडर्न ड्रेस लाएगा, और अभी दारू पीता है, हमको मारता है बस। ये तो बहुत बुरी बात है डिसोजा। एक तो तुमने अपने टोन बयां घटाए, एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर ली, दूसरी तुम इसकी बात नहीं मानते, इसके लिए चीजें नहीं लाते। लाएगा राय साहब, लाएगा। ये क्या लाएगा हमारे लिए? 3 महीने का भाड़ा लेके गया हमसे और देखे आया दारू वाले को। ये तो डिसोजा की पुरानी आदत है। राजेश, तुम शायद किराया लेने आए हो? जी दादाजी, पिताजी ने जबरदस्ती भेज दिया। कितना किराया बाकी है? 210 ओनली। 210? राजेश, किराया तो मुझसे ले जाओ। लेकिन आप क्यों दे रहे हैं दादाजी? मैं पिताजी से कोई बहाना बना दूंगा। अरे ले जाओ भाई, वरना उसे नींद नहीं आएगी। ये लो 100, 210, पहले भी 210 दिए थे, याद रखना 420। थैंक यू वेरी मच राय साहब, हम आपका एहसान कैसे चुकाएगा? एहसान चुकाने का बात करके तुम राय साहब को छोटा बनाते हैं, जानता नहीं ये हमारे गॉडफादर है। देखो डिसोजा, अगर तुम मुझे गॉडफादर मानते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। नो, इसके साथ कभी झगड़ा नहीं करोगे? नो, नेवर, कभी माफ नहीं मांगूंगा। मुझे माफ कर दे दादाजी। चलो राजेश, इन लोगों को लव करने दो, हम लोग चलेंगे। चलिए, कहाँ चलेंगे हम लोग? जहाँ आप कहें। तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए, किसी हजाम के पास चल के बाल कटवा ले। दादाजी, मैं खुद चला जाऊंगा ना, आप क्यों तकलीफ करते हैं? प्रॉमिस। प्रॉमिस दादाजी, चलिए। अरे भाई आमिरचंद। अरे राजेश, ले आए। अरे हाँ, परेशान क्यों होते हो? डिसोजा ने किराया दे दिया। अच्छा अच्छा, आप जाके सुक्की नींद सो जाओ। राय साहब, आप हमेशा मुझ पर ताने कसते रहते। 3 महीने किराया बाकी था, आखिर मुझे भी तो इनकम टैक्स देना पड़ता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन पूरी कमाई तो देते नहीं, आधी कमाई ब्लैक में खा जाते हो। अरे अरे, आप भी खुली सड़क पर कैसी बात? अरे लो लो, हथेली खुजा रही, पैसे निकालो। दादाजी, आपकी चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? मैं कौन चिट्ठी लिखेगा? अरे समती जी, पर उन्हें चिट्ठी क्यों लिखी, वो तो यही रहते हैं। ला पैसे, ला पैसे, ला। अरे देखो, बाल कटाई के लिए इसे 2 रुपए दे देना। 2 रुपए क्यों? 2 रुपए क्यों नहीं? अरे 4 आने में किसी नाई को घर को बुलवा के बाल कटवाए जा सकते हैं। सही बात है, 4 आने सही, लेकिन बाल जरूर कटवा लेना बेटा। अच्छा दादाजी। लाला जी। हाँ क्या? बहुत पैसे। तुझे क्या? नहीं नहीं, वो मेरे 2 पैसे दे दीजिए, अगली दिवाली तक वसूल करना भूल जाऊंगा। अरे कैसा जमाना आ गया है, लोग 2 पैसे का इतमार नहीं करते। देखिए ना, इतनी जल्दी है ना, अगले हफ्ते अगले जाना। अगले हफ्ते? हाँ हाँ, ऐसे पोस्टमैन को तो नौकरी से निकलवा देना चाहिए। बहू। जी बाबूजी। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी क्यों लिखी, वो तो फोन भी कर सकते थे। यही तो मुसीबत है, उन्होंने लिखा है
जब भी मैं अनु को अपने घर आने के लिए फोन करता हूँ वो टाल देती है, इसलिए आपको लिख रहा हूँ, हो सके तो अनु और चंदन को 2 दिन के लिए भेज दीजिए वगैरह वगैरह। इस मुसीबत को तुम ही सुलझा सकती हो, जा हुआ। मैं कैसे जाऊँ बाबूजी, आपकी यहाँ देखभाल कौन करेगा? नहीं नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ चंदन 2 दिन से ज्यादा मुझे छोड़कर रह नहीं सकेगा। चंदन नहीं रह सकेगा या आप उसके बगैर नहीं रह सकेगा? नहीं ये बात नहीं बहू, मैं बात ये है वो। अरे सुनती हो, कहाँ हो? देखो अन्नु आई है और साथ में नाती महाराज भी पधारे हैं। नमस्ते नानी जी। जीते रहो बेटा। तुमने तो कहा था अन्नु नहीं आएगी, देखा संदीप जी को जरा सी चिट्ठी लिखी फौरन भेज दिया उन्होंने। ऐसा भी क्या बेटी, हमसे क्या गलती हो गई जो तूने आंखें फेरी? ऐसा ना समझो माँ, बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है ना। माँ हम दादाजी के पास कब चलेंगे? लो सुनो, बेटे को सिखा के लाई है क्या? देखो बेटा, तुम तो हमेशा दादाजी के पास रहते हो, कितने दिनों के बाद आए हो, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। नहीं ये बात नहीं है, जब हम आ रहे थे तो दादाजी ऐसे दिख रहे थे। समझ गया समझ गया। बेटा दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए। उन्हीं के प्यार से तो इतना जिद्दी हो गया है। आओ चलो अंदर चलो। चल बेटा चल चल। सीताराम शंभो बोला। जी सरकार। अरे अभी तक चाय क्यों नहीं दी? बीबी जी ने आपको 5 बजे चाय देने कहा। मैं रेलवे का टाइम टेबल हूँ कि 5 ही बजे चाय पीऊँ, मैं 4 बजे चाय पीऊंगा समझे? जी सर। आप समझे? बोला कहा? वो तो चंद्र बाबू के साथ बाहर गए। अरे तो तुम लोग भी चले जाओ, क्या मैं अकेले नहीं रह सकता? अब अभी चाय लाया सरकार। नहीं मैं डॉक्टर सुनील के यहाँ चाय पीऊंगा। सुनो कोई टेलीफोन करे तो कह देना मैं डॉक्टर सुनील के यहाँ, समझे? जी सरकार। आप समझे। बाबू जी आज इतने गुस्से में क्यों है? चंदन बाबू घर में नहीं है ना, अकेले में जी नहीं लगता। ओ माँ रात हो गई है, घर नहीं चलोगी? छी ऐसी बात नहीं करते, ये तुम्हारा स्कूल थोड़ी है जो सवेरे आए और शाम को घर लौटे। 2-1 दिन हमारे साथ भी रहो बेटा। क्या 2-1 दिन? हाँ। लो और लो। चाय बड़ी अच्छी बनी है चाचा जी, एक कप और लीजिए। नहीं नहीं सुनिए, अब चलता हूँ, वक्त में वक्त आकर तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं? चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपका तो हक है, इसलिए तो चला आता हूँ। सुनील तुम मेरे बेटे का दोस्त हो, तुमसे बातें करता हूँ तो दिल को जरा शांति मिलती है। चाचा जी आपका जब दिल चाहे ना यहाँ जाए कीजिए, मुझे तो खुशी होती है। जानता हूँ बेटा जानता हूँ, लेकिन न जाने को एक डर सा लगा रहता है कि अनजाने में किए हुए किसी पाप का प्रायश्चित रहने गया हूँ। देखिए चाचा जी, पाप क्या है और पुण्य क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपसे ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसे कोई पाप कहे। पता नहीं बेटा, आज लोग मुझे प्यार करते हैं, कहते हैं मैं दानी हूं, दूसरों के सुख दुख का साथी हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूं अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों का आशीर्वाद पाने के लिए, ताकि वो चंदन हमेशा सुखी रहे, फले फूले। सुनील उससे मेरा इतना मोह हो गया है कि चाचा जी तुम्हारा टेलीफोन। हेलो कौन? ओ भाभी जी। जी हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। चंदन तो यहाँ नहीं आया लेकिन चाचा जी यहाँ मौजूद है, फोन दो ने। अच्छा अच्छा चंदा चंदन का कुछ नहीं चाचा जी, चंदन घर में भी ले रहा है। अरे तो फोन दिया होता मुझे, कहा कि आप हाँ परेशान हो जाएंगे, चंदन नौकर के साथ बाहर गया, थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे परेशान कैसे ना हूँ सुनील, ये उल्लू का पट्टा मुझे कभी चैन से बैठने नहीं देगा। आखिर गया कहाँ, ना घर पहुँचा ना सुनील के यहाँ। तुम बेकार की चिंता कर रही हो माँ, वो शैतान यहीं कहीं खेल रहा होगा, फिर भोला भी तो उसके साथ है। हेलो कौन बाबू जी? नहीं अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। क्या कह रही हो बहू, अब तक नहीं आया, पर वो कहाँ चला गया होगा? बहू तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था। शैतान तो यहाँ मौजूद है। आपने मुझे वहाँ पर 2 दिन के लिए भेज दिया? अरे बदमाश, वहाँ तुझे लोग ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हूँ, तो गया कहाँ था? मैं तो बस में बैठ कर आ रहा था। अरे अकेले क्यों आया, भोला को साथ क्यों नहीं लाया? भोला माँ से पूछता और माँ मुझे आने देती। बेटा माँ तुझे आने तो नहीं देती, तूने बहुत अच्छा किया, तू चल आया। अच्छा चल चल, तेरी माँ टेलीफोन पर है। हेलो हाँ बहू हो, सुनो ये तुम्हारा लाडला उल्लू का पट्टा आ गया, इससे बात करो, मैं जो कहूँ वो करना। माँ माँ मैं बस में बैठ के चला आया। मैं बस में बैठ कर चला आया। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो।
रख दे रख दे रख दे। देखा माँ, वो शैतान बाबूजी के पास पहुंच गया। मुझे कहता है तुम्हें वहां रहना तो रहो, मैं तो यहीं रहूंगा। अब तो तुम भी उसके बिना यहाँ नहीं रहोगी। ठीक है, मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकाल दे। से छुकर सब समझ लेती हूँ। अरे वाह, तब तो तुम मेरे कुत्ते की भी मूर्ति बना सकती हो ना। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? मैं अभी उसे लाता हूँ। है ना बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते की तरह। बिल्कुल, एक दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा।
तुम्हें देख के सब बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कौन है? माँ है, दादाजी है, बोलो कब फिरोगी? जब तक स्कूल वाले परमिशन ना दे मैं कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैं अपनी माँ से जरूर कहूंगा। अच्छा, देख नहीं सकती और उसने रेत से डिंकी की मूर्ति बना दी। हाँ माँ, कितनी बड़ी लड़की है? मुझसे बड़ी है। माँ मुझको छू छू कर कहने लगी कि तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। अरे वाह, उसने तुझे अपना छोटा भाई बना लिया? हाँ दादाजी, मैंने उससे कहा कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने दादा से मिलाऊंगा, अपनी माँ से मिलाऊंगा। तो फिर उसे साथ ले आते? क्यों बाबूजी? अरे हाँ, क्यों साथ को नहीं ले आए उसे? मैंने उससे पूछा था, उसके टीचर कहने लगी कि हम छोटे बच्चों के साथ नहीं भेजते। अगर आप जाओगे ना आपके साथ जरूर भेजेगी। कहाँ रहती है वो? ब्लाइंड स्कूल में। अरे ब्लाइंड स्कूल वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहू, उस लड़की को कल ले आऊं। दादाजी दादाजी प्लीज। कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा, कल ले आऊंगा। आइए आइए राय साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटी, तुम्हारी हेडमास्टर जी से मिलना चाहता था। वो ऑफिस में, अभी बुलवाती हूँ। रामू जरा लीला जी को भेज देना। दादाजी वो रही मेरी दीदी। आइए ना दीदी। कौन? चंदन? हाँ दीदी, मेरे दादाजी आए हैं। मैं तुमसे कहा था ना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा घर। बेटी जैसे चंदन तुमसे मिला है हर वक्त तुम्हारी बातें करता है। ये मेरे दादाजी है। बस बस बस, क्या बना रही हो? अरे वाह, तुम तो बड़ी सुंदर मूर्ति बनाती हो। हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार लड़की यही है। अच्छा बेटी, तुम हमारे घर चलोगी? चंदन की माँ तुम्हें देखना चाहती। नमस्ते राय साहब। नमस्ते। कहीं कैसे आना हुआ? मैं क्या नाम है बेटे तुम्हारा? शिवानी। मैं शिवानी को घर ले जाना चाहता हूँ, अगर आपके इजाजत हो तो। इसमें इजाजत की क्या बात है, जरूर ले जाइए। अरे शिवानी जी जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। शीला तुम भी चले जाना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी के पास आ रही थी। क्यों, चंदे का चेक तुम्हें भेज चुका हूँ? नहीं नहीं, ये बात नहीं। बात दरअसल ये है कि हमारे ब्लाइंड स्कूल कमेटी ने इस बार एनुअल फंक्शन में आप ही को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है। आप एक काम कीजिए। वो क्या? अमीरचंद को इस बार प्रेसिडेंट बनाइए। लेकिन वो तो आजकल वो नाम कमाने के लिए काफी पैसे खर्च कर रहे हैं, मेरा ख्याल स्कूल को भी काफी मोटी रकम मिल जाएगी। इसके लिए तैयार हो जाएंगे क्या? आप उनको टेलीफोन कीजिए, कहिए प्रेसिडेंट बनने से बड़ा नाम होगा। ओह, जैसा आप कहते हैं। आइए आइए। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माता पिता गुजर गए और मेरे चाची ने मुझे ब्लाइंड स्कूल भेज दिया। शायद भगवान मुझसे खुश थे, तभी तो चंदन भैया मिल गए और आप लोग मिल गए। बेटी जब तुमने चंदन को अपना भाई माना है तो क्या मुझे माँ कहकर नहीं पुकारोगी? सच? क्या आप मेरी माँ बनेंगे? क्यों नहीं, जब मैं चंदन की माँ हूँ तो तुम्हारी भी तो माँ हुई ना। माँ मेरी बेटी। अरे भाई कहाँ चले गए सब लोग? अरे दादाजी, दादाजी क्या कर रहे हो तुम? अंदर अंदर आ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। क्या दिखाएगा? देखो तो सही, दीदी और माँ कभी कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं और कभी कभी एक दूसरे गले मिलती हैं। अच्छा, दोनों में इतना प्यार हो गया? बड़ी प्यारी लड़की है बाबूजी। अरे वाह वाह, क्या जादू कर दिया बेटी तुमने। माँ को अपनी बेटी अच्छी नहीं लगेगी तो और किसी लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। लेकिन दादाजी आप चले कहाँ गए थे? अरे मैं तो मोहल्ले भर के लड़कों को बुलाने गया था कि आकर देखो चंदन की बहन आई है, लेकिन कोई था ही नहीं, सब खेलने चले गए थे। खैर बेटी मैं तुम्हें हरी गहन ले चलता हूँ, बड़ा करता है कि बड़ी अच्छी स्टैचूज बनाता है, लेकिन देखे तो सही मेरी बेटी कैसी बनाती है। अब जा बेटी। अरे भाई हरी बाबू। अरे राय साहब, सात बच्चे हैं, अरे इस स्टैचू को पलट दो यार। आइए आइए, आज रास्ता कैसे भूल गए? आओ बेटा चंदू आओ। सीढ़ी बेटा सीढ़ी। ये कौन है? इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या हुआ, ये अमेरिकन दाढ़ी तुमने कब सुना? अरे भाई अमेरिकन नहीं, रशियन। रशियन? सच्ची की झूठी? अरे झूठी नहीं, बिल्कुल सच्ची है। हाँ तो मैं कह रहा था भाई, ये लड़की बड़ी गुनी है, इसे दिखाई नहीं देता लेकिन किसी का भी चेहरा छूकर मूर्ति बना लेती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसे तुमको सिखाओ। हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा। आओ बेटी बोलो तुम क्या बनाओगी? जो आप कहें। दीदी तुम मेरा चेहरा बनाओ ना। नहीं नहीं नहीं, जो जिंदा है उनकी मूर्ति कहीं नहीं बनाई जाती है। हाँ तुम्हारी। हाँ हाँ आप ठीक कहते हैं। आओ बेटी
मैं बताता हूँ तुम क्या बनाओगे। ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तुम इसे बनाओ। इस कुर्सी पर बैठो। अच्छा धारी मैं चलता हूँ। हाँ हाँ आप जाइए, मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। अच्छी बात। अच्छा बेटी शिवानी एक बात बताओ, ये दाढ़ी सच्ची है कि झूठी? आप मेरी दाढ़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। लेकिन अच्छी है, अच्छी है। बेटी थोड़ी देर तुम यहाँ बैठो, मैं प्लास्टर वगैरह लेकर आता हूँ। अरे बेटा राजेश तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊँ दादाजी, पिताजी इस बार ब्लाइंड स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रेसिडेंट बन रहे हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और उन्होंने 10,000 रुपए डोनेट करने का वचन दिया है। क्या कहते हो राजेश, अमीरचंद 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दादाजी उनकी एक शर्त है। भाई 10,000 रुपए दे रहे हैं, शर्त तो जरूर होगी। क्या शर्त है? वहाँ उनका एक स्टैच्यू लगना चाहिए। ब्लाइंड स्कूल में स्टैच्यू? जी। फिर देखेगा कौन, सब तो अंधे हैं वहाँ। ये तो मैं भी सोच रहा था। यही क्या उनकी फोटो है दादाजी? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी फोटो से स्टैच्यू बनेगा? जी हाँ बिल्कुल, दिख ही रहा है वो अपने ब्लाइंड स्कूल के प्रेसिडेंट। हाँ ले जा ले जा, हरिभा बहुत अच्छा बना लेंगे, जाओ। सुनो बेटा जी, ये जी कटवा लूंगा, भूल जाते हो। जरूर राजेश भैया, जल्दी आना, आज क्रिकेट खेलना है। हम भी खेलेंगे क्रिकेट, चलो। हाय काका, देखिए तो ठीक बन जाइए। मिट्टी थोड़ी सख्त है, थोड़ा पानी मिला लेती हूँ। राजेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, इनका आंचल गिर गया था, मैंने उसे ठीक कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जी नहीं, आज पहली बार देखा है। ये शिवानी है, बड़ी होनहार आर्टिस्ट, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है। नमस्ते। नमस्ते। अपने पिताजी की तस्वीर लाए हो? जी हाँ, ये लीजिए। ठीक है, लेकिन चाचा जी एक बात समझ में नहीं आई। पिताजी ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन देकर नाम कमाना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए स्टैच्यू लगाने का क्या मतलब है? अरे बेटा, बड़े लोग स्टैच्यू नहीं लगवाएंगे तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? ये भी ठीक है चाचा जी। हाँ। चाचा जी मैं चलूं? अच्छा अच्छा शिवानी मैं चलता हूँ। हरी काका। बेटी ये साहब कौन थे? राजेश, बड़ा अच्छा लड़का है, यही पड़ोस में रहता है। मैं उनसे बात करती रही ये समझकर कि आप है। कभी कभी गलत फहमी से भी अच्छे ही पैदा हो जाती है बेटी। अच्छा हाँ, हाँ जी सेंटर राइट बाई करेक्ट। हाँ सब लोग तैयार? आओ दिखाता हूँ तुम्हें त्यौहार। विराइए दादाजी मैदान में। संभालिएगा दादाजी, हाथ पैर ना टूट जाए। इतने जोर से मत फेंकना। डर गए दादाजी? दादाजी अब तो बहुत अच्छा खेलते हैं। क्यों नहीं आओ राजेश खेलो। और खेले ना दादाजी। अरे नहीं धोती खुल गई तो। राजेश भैया आप भी फर्स्ट शॉट पे बाउंड्री मारना। अरे डोंट वरी चंदन, छुट्टी कर दूंगा छुट्टी। लो गुगली, जानते हो गुगली? आप बॉल तो कीजिए। लो आउट हो गया। आउट कैसे नहीं हो गए? मैं बॉल इधर फेंक रहा हूँ, तुम इधर देख रहे हो। अरे आओ आओ हरी बाबू आओ। नहीं नहीं दाढ़ी लेके चले आओ, आओ। पड़ गए फिर मेरी दाढ़ी के पीछे। आप क्या क्रिकेट खेल रहे थे? हाँ तुम भी खेलो चलो। मुझे तो बैट पकड़ना आता है, बैट नहीं। छोड़ो बात, बेटी पास हुई है फैल?
बड़ी प्रतिभा इस लड़की में, कृष्ण की मूर्ति बनाई, इतनी सुंदर मानो बोल पड़ेगी। अच्छा हाँ। अरे सुन रहे हो राजेश, अब अपने बाप की मूर्ति शिवानी से बनवाओ, समझे? मेरे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं? अरे सीताराम, बहू से कहो चाय का इंतजाम करें। जी बहुत अच्छा बाबूजी। चलो अरे बाबू, शिवानी को ले आओ, चाय पियेंगे। नहीं नहीं, चाय आप लोग पीजिए, मुझे काम पर जाना है। भागो यहाँ से, जाओ। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ। आओ शिवानी, सब बच्चे लोग आओ, आओ चलो बच्चे चाय पियेंगे। आओ राजेश, आओ बेटे, आओ। बैठो बेटी बैठो। आपको मालूम है दादाजी, दीदी जितनी अच्छी मूर्तियां बनाती है उतना अच्छा गाती भी है। अरे ये तो नहीं मालूम था, बच्चे लोग सब लोग आओ इधर, शिवानी गाना गाएगी। नहीं नहीं, मैं गाना वाना क्या जानू। झूठ मत बोलो दीदी, उस दिन समुद्र के किनारे क्या गा रही थी? वो तो मैं, वो तो कुछ नहीं बेटी, तुम्हें गाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही हम पैदा हुए। क्यों राजेश? हाँ दादाजी, गाइए ना। अच्छा आप सब लोग कहते हैं तो एक भजन सुनाती हूँ। हाँ बेटी भजन ही गाओ। ये भजन मैंने स्कूल में सीखा है। भजन की भावना ये है कि गोकुल में कृष्ण की बंसी सुनकर सब गोपियां मुग्ध हो जाती है, अपनी सूदपुत खो बैठती है। एक दिन राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा तुम बंसी ना बजाया करो। कृष्ण ने पूछा क्यों, तो राधा ने कहा, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी ही बंसी, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी ही बंसी, हरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाले तेरी ही बंसी, खटे
गा लेती है। आवाज भी कितनी सुरेली है, इसे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। कौन है ये लड़की? इसका नाम है शिवानी। चंदन ने इसे अपनी बहन बना लिया है। बेटी, आप हैं राजेश की माँ। नमस्ते। जैसा गुण वैसा ही रूप, कितनी खूबसूरत है इसकी आंखें। लेकिन माँ जी, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, यही ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है। ओह, आइए चाय बना ले। शिवानी, आप? तुमने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं, हम लोग तो खुशबू और आवाज से सब कुछ पहचान लेते हैं। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेचरन जी रोज शाम को मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं और मैं यहाँ बैठी बैठी लहरों की आवाज सुनती हूँ। आप ही रोज यहाँ आते हैं? हाँ हाँ, अक्सर आता हूँ। मुझे भी ये समुद्र तुम्हारी तरह बहुत पसंद है, खास तौर पर ये लहरें जो किनारे से टकराकर मोतियों की तरह बिखर जाती है। बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुमने छुआ है इन्हें? नहीं, जी तो बहुत करता है, लेकिन हम लोगों का वहां जाना मना है। मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, आप भी वहां मत जाइए, वहां डूबने का डर है। जहां डूबने का डर होगा वहां तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। लेकिन आओ आओ ना। दीदी की तरह मुझे कुछ दिखाई ना दे तो कैसे लगता है? तो आंखें बंद करके चल रहा था। हाँ, अंधेरा ही अंधेरा था। क्यों? जब दादाजी के साथ आंख में चोली खेलता है तब पता नहीं चलता कि कैसा लगता है। तब तो मैं आंख खुली रखता हूँ ऐसे।
अरे शैतान, दादाजी समझते हैं कि मैं उन्हें नहीं देख सकता, मगर मैं सब कुछ देता हूँ। तभी मुझे समझ में नहीं आता था ये मुझे पकड़ कैसे लेता है। अब पता चला कि ये भी वही शैतानी करता जो मैं करता हूँ। बाबूजी, अरे आओ आओ गंगाराम, इस समुच में जो ने तो क्या बांध कर रहा है। बतावत है सारी, बतावत है। कैसे हो चंदन बबुआ? जयराम जी की बहन। हाँ हाँ, चाय बाबू बैठो यार। नहीं नहीं बाबू जी, हमारे वास्ते ये जगह भली, आप बैठिए। और चंदन बबुआ तू हमारे पास बैठो, मैं अभी चाय भेज देती हूँ। हाँ हाँ भेजो बहना। बाबूजी, यहाँ बंबई में तो बस चाय ही चाय है, हम तो चाय पी पी के बिल्कुल दुबलाए गए। अरे इसीलिए तो कहता हूँ गंगाराम, हीरो जैसा चेहरा है, फिल्म कंपनी में काम करो तो मलाई वाला दूध, अंगूर का शरबत। काहे को मजाक उड़ावत हो साहिब? अरे जाने तो ना, ऐसे ही ठीक है। ए चंदन बबुआ, ये बता हमार गमछा में का है? क्या है? का है? क्या है? अरे ये देखो, अरे फटाकरा है, अनार है, फूलझड़ी है, आतिशबाजी है, ये सब कुछ हम तुम्हारे वास्ते लाए हैं। अरे गंगाराम, अब तो तुम मजाक उड़ावत हो। काहे बाबूजी? अरे ये सब चीजें तो तुम्हारे मुन्ने के लिए हमें तुमको देना चाहिए। ये भी तो हमारा मुन्ना है बाबूजी। अब की बार हम दिवाली मनाए का देश नहीं जाब, अगली बार जाब तुम्हार ई पटाखा हमारे उस मुन्ना के वास्ते ले जाब। अरे आओ आओ सीताराम भैया, लाओ लाओ दे दो हमको। वाह वाह, अरे बड़े दिलदार हो तुम, जहाँ जाते हो रौनक बरसा देते हो। अरे बाबूजी, और है ही का जिंदगानी माँ, जहाँ चंदन बबुआ हो, आप हो, वहाँ रौनक भला काय ना हो। और जाने तन ई तो फूल का सामान है, खिलत है, मुस्कात है, ई देख देख कर हम बहुत खुश होते हैं। अच्छा बाबूजी, हम चलत हैं। अच्छा, जयराम जी की चंदन बबुआ। जयराम जी की, कल जरूर आऊंगा। हाँ, सुनो गंगाराम, कल खाना भी हमारे साथ खाना। हाँ, बेशक। पाए लागी बाबूजी। जयराम जी की। दादाजी, कल दीदी को जरूर बुलाएंगे ना? अच्छी बात है। नहीं बेटा, दिवाली करो उसे मत बुलाना। क्यों दादाजी? उसे दिखाई तो देता नहीं, बेचारी आतिशबाजी क्या देखेगी, मन ही मन दुखी होगी। दादाजी, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, वो बेचारी खुश हो जाएगी। जैसे तेरी मर्जी, बुला ले। वाह, बिल्कुल ठीक बन रही है, लेकिन जरा इस मूर्ति की नाप तो छुओ। अब मेरी नाक थोड़ी लंबी हो गई है। नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, इस मूर्ति की। कर करो, ठीक करो। नमस्ते राजा जी। अरे राजेश, नमस्ते। नमस्ते जी। ये हाथ पीछे करके नमस्ते करने का कोई नया फैशन निकला है क्या? नहीं चाचा जी, ऐसा देखो क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी। देखो ना, कुछ नहीं। देखो तो। अरे वाह, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ कौन पहनेगा? तुम्हारी चाची तो कब की गुजर चुकी है। लेकिन चाचा जी, ये साड़ी तो मैं वो, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पिताजी का स्टैचू धूप में सूख रहा है, मैं जरा देख के आता हूँ। चाचा जी, साड़ी जिसके लिए लाए हो उसे दे दो। तो मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। कल दिवाली है, तुम चंदन के घर तो आओगी ना? आप चाहते हैं मैं ये साड़ी पहन कर आऊं? अगर तुम इसे पहन कर आओगी तो मैं समझूंगा तुम मुझे अपना समझती हो। डार्लिंग, बी केयरफुल, बी केयरफुल डार्लिंग। दीदी, तू कितने सारे अनार जल रहे हैं? अच्छा चंदन, देखो वो, देखो राजू भाई ने ट्रॉफी जला। गो गो गो। बहुत अच्छा है। हाँ। अरे बाप रे, कितने जोर की आवाज। ए राजेश, ये फुलझड़ी हमारे फुलझड़ी को भी धोल ना। क्या बात
तुमने हमारे थर्ड वाइफ है। राम राम जी, राम राम जी। अरे राजेश भैया, अरे का अकेले अकेले बैठ कर फटाके फोड़ दो, जरा वहां जाओ। अरे वहां कैसे जाऊंगा राम, सब लोग पीछे खड़े हो ना। अगली बात है तो ठहरो, अगली दिवाली पर। हाँ क्या हुआ? अरे एक क्या पूरा डब्बा लो। थैंक यू। अरे बाबूजी जरा तनिक यहाँ तो आओ। हुआ? अरे हाल तो सही। ये बच्चों में लोग क्या कर रहे हैं? हाँ यह क्या करते रहे साहिब? थोड़ी देर पहले तो आप ताश खेलने के लिए बेचैन थे। राय साहब ताश खेलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आप ना दे रहे मेरा। मैं ताश वाश नहीं खेलूं, मुझे नहीं आता। अरे तो देखने चलो। क्यों गंगाराम? हाँ, देखने चलो भाई। हमको आता है रमी फ्लैश छोटा बड़ा, लेकिन राय साहब हमको थोड़ा फाइनेंस कर देंगे। देखिए राय साहब, अगर आप जुआ खेलने लगे हैं तो मैं नहीं खेलूंगा। हार गया तो? अरे जीत भी तो सकते हो। चलो 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 चलो। मुझे कहाँ बता रहे हैं? मुझे कहाँ बता रहे हैं? राज भैया उठो उठो। अरे जाओ जाओ, लाइन बिल्कुल क्लियर हुई। कबा मान गए गंगाराम, तुम्हारा जवाब ना था। अरे तुम्हारा जवाब नहीं। अरे अरे बहादुर बहादुर, अरे हमका भी दो यार। ले आओ ना दिवाली मनाने। ले आओ भैया। दीदी ये फुलझड़ी है। अच्छा शिवानी, तुम भी आतिशबाजी जलाओ ना। ये लो फुलझड़ी। चंदन हुँ? तुम जाओ और अपनी दीदी के लिए एक चरखी ले आओ। अच्छा अभी लाया। अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि दिवाली इतनी खुशी का त्योहार है। मैंने भी इतनी खुशी आज पहली बार महसूस की है। जी? मेरा मतलब है तुम ये साड़ी पहन कर आई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया। अरे अलग अलग कहे जला दो। अरे दोनों संग संग जलाओ, हाथ में हाथ पकड़ के ऐसा। मजा लो मजा लो। अरे हम जाए कि जरा चंदन बबुआ को रोकत है कि वो यहाँ ना आ जाए। आओ चंदन। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ। तुम्हें इस बार का रिजल्ट मालूम है? नो सर। तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे पास हो गए। अच्छा सर, फर्स्ट कौन आया सर? रमेश। मुझे बहुत खुशी हुई सर कि रमेश फर्स्ट आया। तुम्हें खुशी है? हाँ सर, रमेश को स्कॉलरशिप मिलेगा, वो आगे पढ़ सकेगा। आपको मालूम नहीं सर, उसके पिताजी बहुत गरीब है। ओ आई सी, इसीलिए तुमने अरिथमेटिक के पेपर के दो सवाल छोड़ दिए। एनी हाउ आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ। थैंक यू सर। चंदू, तुम मुझसे बिना मिले चले जा रहे हो, आज तुम्हारा रिजल्ट निकला है ना? बहू चंदू आ गया। दादाजी माँ को मत कहिएगा, इस बार मैं फर्स्ट नहीं आया। सेकंड तो आए हो ना। दादाजी आपको कैसे पता? मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के फर्स्ट नहीं आए। लड़का है रमेश। प्रिंसिपल ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, और मैं बहुत खुश हूँ बेटा। सर दादाजी देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। बेटा तुमने किसी के भलाई के लिए कुर्बानी की, रमेश को स्कॉलरशिप की जरूरत थी, वो तुमने उसे दिलवा दिया। देख लेना बहू, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मेरी आशीर्वाद इसे दीजिए बाबूजी। दादाजी के पैर छुओ। जीते रहो बेटा जीते रहो, जा जल्दी कपड़े बदल के आओ, फिर अपन क्रिकेट खेलेंगे। कैसे हो गंगाराम? अरे आओ आओ राजेश भैया। क्या बात है, आज बड़ी मस्ती में गुनगुना रहे हो। हम गरीबों के वास्ते ये मस्ती तो सबसे सस्ती है। जोने तौन हिंग लगे न फटकरी, रंग चोखा का। हाँ ठीक कहा। गंगाराम मुझे एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना दो। गुलदस्ता? अरे तुहार पिताजी तो पूजा में भी प्लास्टिक के फूल धोए धोए के चढ़ाते हैं, और तुम है क्या? उनके लिए नहीं गंगाराम, ये गुलदस्ता मुझे अपने लिए चाहिए। अपने लिए? हाँ अपने लिए।
हम समझ गए। क्या क्या समझ गए? अरे हम सब समझ गए। जब तुम हाथ में हाथ डालकर दिवाली की फुलझड़ियां छुड़ात रहे, अरे हम तभी बाप गए कि मामला फिट है। अरे जौने तन फूलन में बड़ी ताकत है राजेश भैया, ई लो जाई के दई दो, और अगर भगवान ने चाहा तो चट मंगनी और पट ब्याह का। हाँ का चट मंगनी और पट ब्याह। ये लो गंगाराम। अरे शर्म नहीं आप हमका पैसा दे? अरे ये प्रेम बंधन गुलदस्ता का हम पैसा नहीं ले। जब तो हर काम हो जाए तो हमका बूंदी के लड्डू भिजवाई देना चाह। अच्छा जरूर भिजवा। तारा ता ता तारा ता। शिव शंकर जी, शिव शंकर जी, बड़े गुण गाती थी शिव शंकर जी के। ये देखो क्या है। अरे तुम्हें तो अंग्रेजी नहीं आती। इस बार ब्लाइंड स्कूल ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट बनाया? हाँ। ये क्यों नहीं कहते कि 10,000 रुपया देकर बने हो? क्या राजेश ने मुझे सब कुछ बता दिया? अरे वो तो बेवकूफ है, और साथ में तुम भी। अरे दुनिया में हर आदमी को लीडर बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन उनकी बीवियां डंडोरा नहीं पीटती फिरती। ठीक है ठीक है। दो दिन रह गए जलसे में और अभी तक मेरा स्टैच्यू नहीं बना। ये राजेश कहाँ है? हैं राजेश? आप? अरे बिना बात के कैसे पहचान लिया मुझे? खुशबू से। मैंने कहा था ना हम लोग खुशबू से सब कुछ पहचान लेते हैं। इतनी अच्छी फूल है, मनमोहक सुगंध है। इन फूलों का नाम जानती हो क्या? प्रेम बंधन गुलाब। प्रेम बंधन? मैं समझी नहीं। फिर मैं भी नहीं समझा था, लेकिन उसने मुझे समझा दिया। किसने? अरे अपना फूल वाला गंगाराम। वही जिसने फूलझड़ी छुड़ाते समय दोनों का हाथ मिला दिया था? हाँ वही। कहने लगा हम प्रेम बंधन गुलदस्ता का पैसा नहीं ले, जब शादी हुई जाए तो बूंदी के लड्डू भेज देना। शादी मेरी और तुम्हारी? हाँ शिवानी, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मेरी जीवन संगनी तुम ही बन सकती हो। लेकिन तब आप ये नहीं जानते थे कि मैं अंधी हूँ। मैं जान गया था, और अगर मैं ना भी जानू तो क्या। मैं पूछता हूँ, एक लड़के और लड़की की शादी होने के बाद अगर दोनों में से एक की आंखों की ज्योति चली जाए तो क्या दूसरा उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे? नहीं, हरगिज नहीं। राजेश। शिवानी मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाऊंगा, और अगर फिर भी तुम्हारी आंखें ठीक ना हुई तो तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। कलियों का
अच्छा वो क्या है? सागर है। उस सागर में कितनैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? अमीरचंद जी की इस मूर्ति को हमारे स्कूल के विद्यार्थी देख तो नहीं सकेंगे, लेकिन उसे स्पर्श करके ये जरूर याद रखेंगे कि सेठ जी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी तरफ से और स्कूल कमेटी की तरफ से मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। अब मैं श्री शिव शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो सेठ अमीरचंद जी के बारे में दो शब्द कहें। भाई और बहनों, लोगों का ख्याल है कि सेठ अमीरचंद महाकंजूस और सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हो, वो भी काला पैसा, लेकिन इन्होंने आज साबित कर दिया कि ये गलत है। ये एक महादानी है, इसका सबूत है ब्लाइंड स्कूल को इन्होंने 10,000 रुपए का चेक दिया है। और ये 10,000 रुपए ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपए नकद और दूंगा। ये मेरे कपड़ा शुभ होता है, ये कह रहे हैं कि 11 का आंकड़ा शुभ होता है, इसलिए 1,000 रुपए और देना चाहता हूं। निकल आइए। और इसके साथ साथ बीच बीच में ऐसे ही देते रहेंगे। ये मैंने कब कहा है तो कह दो। कहते हैं बीच बीच में देते रहेंगे। अब मैं अमीरचंद सेठ से कहूंगा कि दो शब्द कहें। क्या हुआ? भाषण करने से पहले ही? पहले क्या? कमाल करते, तुम चने की दाल खाकर भाषण करने चले आए। शिव शंकर जी आप भी कमाल करते हैं, मुझे खाम कर नर्वस कर रहे हैं। नर्वस क्यों? जो हो गया तो हो गया। अच्छा चलो चलो बोलो। सज्जनों और देवियों। कौन बोला? इतने जोर से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज से माइक्रोफोन है, जरा आहिस्ते बोलो। अच्छा अच्छा। सज्जनों और देवियों, आपने मुझ जैसे मामूली आदमी को इतना मान दिया, सभापति बनाया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हाँ, इन बेचारी अरे क्या घसीट दिया राजेश ने? सुकुमारी। हाँ, इन बेचारी सुकुमारी कन्याओं के लिए कुछ करना भी एक तरह की देश सेवा है। मैं पूछता हूं, ये नेत्रहीन है तो इसमें इनका क्या दोष? ये तो भगवान की भूल है। आज इसे हम जिसे हम इंसान सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? इसके लिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनका अंधेरा जीवन खुशियों के उजाले से भर दे। और इसलिए मैं देश के नौजवानों से पुकार पुकार कर कहता हूं कि आप आगे आए और इन लड़कियों का हाथ थाम कर इन्हें जीवन संगीन बनाएं। संगिनी भाई? हाँ, इन्हें जीवन संगिनी बनाए, क्योंकि इन्हें भी पत्नी और मां बनने का उतना ही अधिकार है जितना बाकी लड़कियों को है। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, सेठ अमीरचंद ने जो कुछ कहा है वो केवल कोरा भाषण नहीं, बल्कि उस पर अमल कर दिखाया है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इन्होंने अपने इकलौते बेटे श्रीमान राजेश का विवाह इस स्कूल की विद्यार्थी कुमारी शिवानी से करने का फैसला किया है। राजेश भैया, अभी तो मैं तुम्हें जीजा जी के घर पुकारूंगा। मुझे मालूम है तुम लोगों ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश की। इतने गर्म क्यों होते हो? वहाँ तो बहुत खुश थे जब लोग तालियां बजा रहे थे। अरे वहाँ मैं प्रेसिडेंट था, यहाँ मैं एक बेटे का बाप हूँ। लेकिन पिताजी, आप ही ने तो अपने भाषण में कहा था कि देश के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ठीक है,
बड़े आदमी इज्जत कमाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बात पर अमल भी किया जाए। माफ कीजिए पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। जिनके जीवन में पहले ही निराशा हो, उन्हें आशा और प्यार की एक किरण देना कोई अपराध है क्या? देखो राजेश, मैं तुम्हारे से बहस करना नहीं चाहता। आइंदा तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। सुनो जी, समझा लो अपने बेटे को। आ शिवानी, शुरू करो जल्दी जल्दी। हाँ शिवानी, शुरू करो। राजेश भैया, वो रही थी, मैं अभी बुला के लाता हूँ। दीदी। चंदन। राजेश भैया तुम्हें बुला रहे हैं। ओह, ठहरो शिवानी। चंदन, तुम दीदी के पास रहो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नमस्ते। नमस्ते राजेश बाबू, आपके पिताजी ने फोन किया था कि आपको शिवानी से न मिलने दिया जाए। मुझे शक था कि वो जरूर ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन बात क्या है, उन्होंने तो सबके सामने आप दोनों की शादी के लिए हामी भरी थी। वो सिर्फ वाह वाह लूटने का एक तरीका था, दिल से तो हमारी शादी के लिए वो कभी भी तैयार न थे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं शिवानी से एक बार मिल सकता हूँ। अच्छा, मिलेगा। थैंक यू शिवानी। मैं ये कहने आया था, मैंने सब कुछ सुन लिया है। भगवान के लिए अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें परेशानी हो और तुम्हारे घर में झगड़ा हो। मेरी बात तो सुनो शिवानी। मैं हार चुकती हूँ, अब मुझसे कुछ मत कहो, मुझे भूल जाओ। मुझे तुम लोगों से जो अपनापन और प्यार मिला है वही क्या कम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मेटरन जी, चलिए। बाबूजी, आपको मालूम है लाला जी ने ब्लाइंड स्कूल वालों से कहा है कि शिवानी का किसी के भी साथ बाहर आना जाना बंद किया जाए। ऐसा क्यों? शायद उनको उसका राजेश से मिलना जुलना पसंद नहीं। कैसे पसंद होगा, इस शादी में उस कंजूस को कुछ मिलने वाला तो है नहीं। खैर, मैं उससे बात करूंगा। वाह राय साहब, एक अंधी को गले मरने के लिए मैं ही रह गया था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो अमीरचंद, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे की खुशी का ख्याल करो, वो शिवानी से प्रेम करता है। प्रेम तो अंधा होता राय साहब, इसीलिए मेरे आंखों वाले अंधे बेटे ने अंधी से प्यार किया। सिर्फ ये बात नहीं, लड़की गुणी भी है, सुशील भी है कि नहीं बहू? यही तो मैं कहती हूँ। हाँ जी, तुम क्यों नहीं कहोगी, तुम तो कहोगी। लेकिन राय साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या एक अंधी लड़की को अपने घर की बहू बनाते? बोली बोली जवाब दीजिए, तो क्यों हो गए? देखो अमीरचंद, अगर मेरा बेटा होता और किसी अंधी लड़की से भी शादी करना चाहता तो मैं इतराज नहीं करता, और फिर उसकी आंखों के इलाज भी तो हो सकता है। हाँ, इलाज क्यों नहीं हो सकता, इलाज। यही तो कह रहा हूँ मैं, इलाज तो हो सकता है। लेकिन एक अनाथ गरीब लड़की का इलाज कराएगा कौन? मैं तो क्या हर्ज है अमीरचंद, तुम्हारा थोड़ा सा काला पैसा अच्छे काम में जाएगा। तुम्हारे मत काला पैसा। देखिए राजा, अगर इलाज कराने के बाद भी वो ठीक ना हुई तो मेरा तो 1,500 रुपया गया पानी में। 1,500 क्या बात करते हो अमीरचंद, वो तो स्पेशलिस्ट की फीस भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये बात है तो चिंता ना करो, उसके इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी मुझ पर, तब तो शादी के लिए राजी हो जाओगे। अगर इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी आप लेते, यही तो मैंने कहा, और लड़की ठीक हो जाती तब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। फिर लड़की सुशील भी है, सुंदर भी है, गुणी भी है। सब ठीक हो जाएगा बेटी। डॉक्टर साहब जी आइए, नर्स इन्हें ले आओ। आओ बेटी। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आंखों की
की जांच और केस हिस्ट्री से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ग्राफ्टिंग करना ही पड़ेगा। ग्राफ्टिंग यानी दूसरे की आंखें? जी हाँ ऐसा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसा ही ऑपरेशन कर चुका हूँ। एक आदमी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और मरते वक्त वो अपनी आंखें दान कर गया। मैंने एक घंटे के अंदर उसकी आंखों की ग्राफ्टिंग कर दी और उस मरने वाले की आंखों से एक अंधे की दुनिया रोशन हो गई। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा महान आदमी तो किसी को भाग से ही मिल सकता है जो अपनी आंखें किसी दूसरे को दे दे। मैंने तो सोचा था कि लड़की देखने लगे तो। आप निराश न होइए राय साहब। डॉक्टर सुनील जी, आप आई बैंक के टच में रहिए, जरूर कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। जी बहुत अच्छा। अजीब अजीब बातें हो जाती हैं इस मेडिकल साइंस में। अभी उस दिन मैं एक मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था, एक दोस्त ने अपने अंधे दोस्त को अपनी एक आंख दे दी, ग्राफ्टिंग की गई, कामयाब हुई और अब दोनों देख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दादाजी। जब एक आंख से सब कुछ दिखाई देता है तो दोनों आंखों की क्या जरूरत। डॉक्टर साहब, आप मेरी एक आंख दीदी को दे दीजिए ना। नहीं नहीं चंदन, ऐसे नहीं कहते दादाजी। मुझे आंखों की क्या जरूरत है, आप लोगों के सहारे मैं तो सब कुछ देख लेती हूँ। आप लोग बेकार परेशान होते हैं, मेरे लिए तो आंखों से ज्यादा कीमती है आपका प्यार, माँ की ममता और चंदन का अनुराग। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। चंदन भैया, राजेश भैया तुमसे मिलने आए हैं। नहीं भैया, उन्हें यहाँ मत बुलाओ। क्यों शिवानी, क्या मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता? नहीं नहीं, ये बात नहीं। आपने शायद डॉक्टर की बात नहीं सुनी। सुनी है, उन्होंने जो कहा है उसे तो तुम्हें और भी खुश होना चाहिए। मुझे यकीन है शिवानी, जिस तरह रात के बाद दिन आता है, सूरज चमकता है, वैसे ही एक न एक दिन तुम्हारा जीवन भी चमक उठेगा और खुशी की शहनाइयां बज उठेंगी। दीदी, जब तुम्हारी शादी राजेश भैया के साथ हो जाएगी तब मैं इन्हें जीजा जी के घर बुलाऊंगा। नहीं भैया, वो दिन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं शिवानी, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। नहीं राजेश, मैं एक अंधी हूँ, तुम्हारे जीवन में बोझ बनना नहीं चाहती। दीदी, मैंने एक तरकीब सोची, अगर डॉक्टर लोग कुछ ना कर पाए तो एक दिन मैं और तुम चुपके से चलेंगे और मैं अपनी एक आंख तुम्हारी आंख में लगा दूंगा। चंदन, फिर वही जो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझे देख तो सकोगी क्यों राजेश भैया? चल शैतान, ऐसा नहीं कहते। लो, पांच रुपए, ये गंगा राम। अरे ये गंगा राम के फूल है, लेना है तो लो, नहीं तो वापस दे दो। अरे कहाँ से झूमत चले आते हो? हम मार्केट से आता है। अरे मार्केटिया में ऐसा का हुआ है जो झूमे लागे? हम मार्केट में नहीं, हाँ मार्केट के पीछू। भपका भपका, अरे सवेरे सवेरे चढ़ाई ली हो का? यस गंगाराम। सत्यानाश, लेकिन हमारा बेबी वाइफ को बोलने का नहीं। हाँ बेबी वाइफ को बोलना ना ही। अरे गंगा कसम ना ही बोले। हेलो गंगाराम भैया, हेलो गंगाराम भैया। अरे बहादुर सिंह, एक मिनट बाबूआ, ये लो। गंगा काका, हाँ कल तुम्हें बहुत सारे फूल लाने पड़ेंगे, कल मेरा जन्मदिन है, तुम जरूर आना। और डिसो अंकल, आपको भी आंटी के साथ आना पड़ेगा। यस यस, हम आएगा, श्योरली आएगा बाबा, गॉड ब्लेस यू। क्या है? पर हमार तो बड़ी मुश्किल हो गई बबुआ। क्या हुआ? अरे हम तो मुन्ना के पास देश जाते, जाने तो हम तो टिकट भी कटाई लिए। टिकट वापस कर दो। हा? अगर कल तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी फूल ले लूंगा। मुन्ना तो तुम्हारा बेटा है, तुम उससे कभी भी मिल सकते हो। अच्छा बाबूआ, तुम गुस्सा नहीं करो, हम टिकट वापस कर दे। का 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 टिकट वापस कर दो। अरे बेटा, दादाजी नहीं आए अभी तक? नहीं माँ, सब लोग यही पूछ रहे हैं।
कि कहाँ गए हैं, कब आएंगे? अरे बिगड़ता क्यों है, मैं आ गया हूँ। आइए आइए राय साहब, बल्जर कर दिया आपने। अरे समधी जी, इसके लिए प्रेजेंट लाने गया था इसलिए देर हो गई। अरे मेरे छोटे फर्श, तुझे हट जाओ हट जाओ, तेरे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। बोल क्या लाया? क्या क्या क्या? अरे तू हार गया, तेरे लिए दीदी लाया। दीदी प्रेजेंट? अरे इससे बड़ा प्रेजेंट तेरे लिए मैं क्या ला सकता हूँ बेटे। और इस खुशी के दिन मैं तुम लोगों की खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने एप्लीकेशन दे दी ब्लाइंड स्कूल में कि मैं शिवानी को गोद ले रहा हूँ। हाँ, एप्लीकेशन मंजूर होते ही शिवानी हमारे साथ रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। राय साहब, आपने कमाल कर दिया, एक लड़के की जिंदगी सुधार दी। इसे कहते हैं बड़प्पन इंसानियत। मैं तो ये समझता हूँ समझ लीजिए कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है। अमीरचंद बोलो। इसका मतलब है कि शादी ब्याह का खर्चा भी आप ही करेंगे? मेरा ख्याल है शादी ब्याह का खर्चा मुझे ही करना पड़ेगा। फिर तो सोचने वाली बात है। अमीरचंद, नागा साधु की तरह सोचना। नागा साधु यानी सारे कपड़े उतारे। अरे राजेश, तुम कब आए? दादाजी, मैं तो शुरू से ही। मैंने जो खुशखबरी सुनाई वो तुमने सुनी? जी दादाजी। अमीरचंद जी तो खुश नहीं है? दादाजी मैं बहुत खुश हूँ। सच जी? तो फिर दूल्हा बनने से पहले ये बाल कटवा लेना। दादाजी आज वहाँ गया था लेकिन हजामों की स्ट्राइक थी। अरे तो फिर हजाम मुझे बनना पड़ेगा। भोला जरा कैंची ला। हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी तो चंदन का बर्थडे केक काटना वाला है। हमारी बेबी को केक बहुत पसंद होता है। हमारा बेबी कब? हमको मालूम है। हमारी थर्ड वाइफ का नाम बेबी। भूल गया था, भूल गया था। अरे पर पार्टी में तो हाथ छोड़ो। नहीं नहीं, कोई चांस नहीं लेगा तुम्हारा। सदा सुखी रहो बेटा। दीदी तुम भी आशीर्वाद दो ना। भैया भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाए। ये हुई ना बात, देखा कितनी अच्छी दीदी है। अरे देखो, हम तो हर वक्त दिल खुश गुलाब लाए हैं। हजार साल जियो, राम करे हमारी उम्र भी तोहे लग जाए। ना राम, तुमने बड़ी देर कर दी यार। बाबूजी पाई लागी, आज बबुआ का जन्मदिन है ना, जसन वसन हुई का चाही। इका वास्ते हम डूडू की ढूंढत रही, मिल गई आई गई। अरे तो बजाना। बहुत अच्छी डुगडुगी बजाते हो। अरे राजेश भैया, हम तो गावत हैं, बजावत हैं, नाचत हैं और नचावत हैं। हमका भी नचाओ, हम तो हर साथ नाची। तो बाबूजी हुई जाए जाए। हाँ, राम करे बबुआ हो, राम करे बबुआ हमार फुलवा को, हमरी उम्र लग जाए। राम करे बबुआ हमार फुलवा को, हमरी उम्र लग जाए। पतझर आए हो, पतझर आए, बसंत ऋतु जाए हो जाए, चंपा चमेली मुस्काए। राम करे बबुआ हो। प्यारे मुन्ने तू भी एक दिल खुश गुलाब है, ए गुल्लू गुल्लू, दोहरी खुशबू का कहीं कोई जवाब है। प्यारे मुन्ने तू भी एक दिल खुश गुलाब है, तोहरी खुशबू का कहीं कोई जवाब है। तोहे न किसी की, तोहे न किसी की नजर लग जाए। राम करे बबुआ हो, राम करे बबुआ हमार फुलवा को, हमरी उम्र लग जाए हो।
चंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। राम जी ने दुनिया में दुख सुख बांटे, बलिहारी है फुलवा के अंग संग बगिया में कांटे। राम जी ने दुनिया में दुख सुख बांटे, फुलवा के अंग संग बगिया में कांटे। तोरे पग में ना कोई, तोरे पग में ना कोई कांटा लग जाए। राम करे बबुआ, राम करे बबुआ, हमार फुलवा को हम दी उमर लग जाए हो। काश ऐसा होवे जब बने तू दुल्हा राजा, गलियों में बाजे जब शादी का बाजा। काश ऐसा होवे जब बने तू दुल्हा राजा, गलियों में बाजे जब शादी का बाजा। यही गंगा राम हो, यही गंगा राम तुहरा से हेरा बनाए। राम करे बबुआ, राम करे बबुआ, हमार फुलवा को हमरी उमर लग जाए। पतझर आए बसंत ऋतु जाए, हो जाए चंपा चमेली। चलो गंगाराम, गंगाराम उठा जा, उठा उठा। चंदन क्या हुआ? चंदन को कोई बोलता क्यों नहीं? चंदन कहाँ हो तुम? चंदन शिवानी बिटिया, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? अंधेरा? यहाँ अंधेरा है क्या? रोशनी कहाँ गई? चंदन कहाँ है और सब लोग कहाँ हैं? आओ मेरे साथ। डर किस लिए है सुनील? जैसा ये चिंता की कोई बात नहीं है, मैं दवाई भेज दूंगा, डर ठीक हो जाएगा। चंदन आ, शिवानी आओ बेटी, यहाँ बैठो चंदन के पास। भैया क्या हो गया तुम्हें? बहुत जोर से दर्द हुआ यहाँ से। उठो मत बेटे, आराम करो। और देखो इस वक्त पार्टी वार्टी बिल्कुल बंद है। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ, नमस्ते। चंदन तुम्हारा क्या ठीक कर रहा? डॉक्टर भैया हमारे बबुआ ठीक है। हाँ हाँ हा, बिल्कुल ठीक। गंगाराम तुम अंदर जाके मिल लो उससे, ठीक है वो? हाँ हाँ चलो चलो भाई, सब लोग चलो। तो बबुआ देख तो हाँ दोस्त लोग आए हैं। क्या लगा तुम्हें? चाचा कुछ इन्फेक्शन लगता है। कुछ सीरियस बात? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं कल पूरा एग्जामिन कर लूंगा और ब्लड और स्टूल भी दिखा दूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं दवाई दे देता हूँ। चलिए, ये छोटा मकान तुम्हारा है और ये बड़ा वाला मेरा, ठीक है? लो बेटा दवा पी लो। नहीं माँ ये दवा मैं नहीं पीऊंगा, बहुत कड़वी है। नहीं मैं पिला देता हूँ, मैं जल्दी अच्छा होना है ना, तो ये पी लो। शाबाश शाबाश, ये लो पानी। अरे ओ चंदन बबुआ, जय राम जी की बहना। जय राम जी। अरे ये का पेट में थोड़ा सा दर्द हुई कबा और तुम खटिया पर पड़ गए? अरे तुम तो शेर बच्चा हो का बहना। अरे ये देखो हम तुहार वास्ते दिल खुश गुलाब लाए हैं, लो। कितने अच्छे फूल हैं। अरे होंगे ना ही, जौने तौन गंगा राम की दुकान के फूल हैं, कोई ऐसे वैसे के है नहीं। हाँ ए बबुआ हम ये कहने को आए हैं, शाम की गाड़ी से हम गांव जाते हैं, एक महीने बाद लौटा तब तक बिल्कुल फिट हो जा। हाँ हाँ तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्यों चंदू? हाँ माँ वो पार्सल दो ना। अरे हाँ ये लो गंगाराम, तुम्हारे मुन्ने के लिए चंदन की तरफ से। जरूर देव,
पर जब उन लोग पूछेंगे कि कौन दिए तो हम कहा जवाब दे, उइका वास्ते बबुआ का एक फोटो भी तो दो। फोटो? हाँ, मुन्ना और उइकी अम्मा देखकर बहुत खुश हो जाए। अच्छा अभी लाती हूँ। सुनो गंगा काका, अब की बार अपने मुन्ने को अपने साथ जरूर लाना, मैं उसे अपने पास रखूंगा। हाँ हाँ जरूर ला। अच्छा हम चली, ये लो। अरे वाह वाह वाह, राजेश भैया तनिक यहाँ तो आओ। अरे आओ ना, अभी आ चलो। अच्छा बहना हम चलत हैं। अच्छा। जयराम जी। जयराम जी। अरे बात आपस की है, तू हमार फूलन का कोई असर हुआ? कोई असर हुआ उन फूलन का? हाँ गंगाराम, कुछ कुछ बात बन रही। ये हुई ना बात। अरे हम तो पहले से ही जानत रहे, हमार फूलन में वो जादू है कि लड़की ने खुशबू ली तो फंसी। मजा लो मजा लो, जब हम लौटब तब तक तो हार मामला बिल्कुल फिट हो जा। जय राम जी की। जय राम जी की। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं समझ गया, लेकिन यस यस। हाँ सुनील, मैं जा सकता हूँ? डॉक्टर एक मिनट। आइए सर जी। सारी रात चंदन सो नहीं सका, पेट में उसको बड़े जोर का दर्द रहा। आप बैठिए डॉक्टर, ऐसा कीजिए आप भेज दीजिए। जी हाँ। रिपोर्ट का क्या हुआ? चाची रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, मैं डॉक्टर सालस्कर से बातें कर रहा था। क्या कर रहे हो? उन्होंने ब्लड सैंपल टाटा इंस्टीट्यूट में भेज दिया है। कैंसर टेस्ट के लिए? जी। तुम क्या कर रहे हो सुनील, इतने से बच्चे को कैंसर भी आ रहा है? चाचा जी बात यह है चाचा जी के पैथोलॉजिकल टेस्ट में कुछ मिला नहीं, और इतने तेज बुखार और दर्द की वजह मेरी समझ में भी नहीं आई, इसलिए अपनी तसल्ली के लिए मैंने जाँच करवा लेना जरूरी समझा। अच्छा सुनील, तुमने अच्छा किया। चाचा जी भगवान करे रिपोर्ट में किसी किस्म की खराबी ना हो। ऐसा लगता है कि भगवान मुझे कभी सुख चैन से बैठने नहीं देगा सुनील, मैं जिसे भी अपनाना चाहता हूँ। रिपोर्ट कब आ रही है? कल शाम को 4 बजे। कल शाम को 4 बजे तक मेरी क्या हालत होगी? मैंने ठीक कहा? ओ बहू क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर सुनील क्या कहेगा, कहा कि अभी तक तो ब्लड की रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद इलाज शुरू करेगा। पहले जब भी बीमार होता था तो 5-6 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब की बार दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। न उसे भूख लगती है न नींद आती है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही बहू, लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं, घबराओ नहीं ठीक हो जाएगा। जा तुम्हें बुला रहा। क्या बात है बेटा? पेट में फिर वैसा ही दर्द हो रहा है माँ। अच्छा मैं भी सेक किए देती हूँ, पहले ये दूध पी ले। नहीं माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं। अच्छा रहने दे, अब तो जरा सोने की कोशिश कर, दर्द ठीक हो जाएगा। नींद भी नहीं आती माँ। मैं सुला देती हूँ। माँ तुम वो गाना सुनाओ ना जो मैं और तुम गाते थे। मेरा राजा बेटा बूझी एक पहली, बेटा बूझे एक
चुका है। उसके स्कूल के दोस्त आए हैं, उन्हीं के साथ बैठ के बातें कर रहा है। आप आइए ना। चंदन, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। तुम स्कूल नहीं आते, पढ़ाई में, खेल में कहीं भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि किसी से झगड़ने का भी जी नहीं चाहता। हाँ चंदन, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। चंदन देखो कौन आया है। अरे दीदी आओ, इधर बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अब कैसी तबीयत है बेटे? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी ये सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। मोटू मास्टर, नमस्ते। रमेश, नमस्ते। चमन, नमस्ते। सबको नमस्ते। पर तुम लोग बुरा ना मानना, मैं देख नहीं सकती। मैं तो बच गया, नहीं तो दीदी देखकर मुझे हंस देती। क्यों हंस देती? क्योंकि मैं जरा मोटा हूँ ना। माँ अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमरे में पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। आज मुझे बाहर जाने दो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूंगा। आज नहीं बेटा। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम अपनी दीदी के साथ बैठ के देखना, ये सब लोग खेलेंगे। अच्छा माँ, और दादा जी कहाँ हैं? उनको बुलाओ, वो भी हमारे साथ खेलेंगे। वो तुम्हारे नाना जी के पास गए हैं। आप? हम रिपोर्ट के लिए आए। सुनील, रिपोर्ट मिली? जी हाँ। तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? कोई खास बात है क्या? चाचा जी, चंदन जो मांगे वो उसे दीजिए। क्या है? जो वो कहे वो ही आप किया कीजिए। कोई घबराने की बात तो नहीं है? कैसे कहूँ वकील साहब, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से कहना पड़ता है चंदन की जिंदगी के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं। नहीं सुनील, ऐसा मत कहो। तुम उसके बाप के दोस्त हो, वो तुम्हारे बेटे संभाल है। जी हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। काश की रिपोर्ट गलत हो सकती है। आप उसे हुआ क्या है? ल्यूकेमिया सेल कैंसर। जी हाँ, ब्लड कैंसर। वैसा राजेश भैया। दीदी राजेश भैया ने बाउंड्री मारी। अच्छा अच्छा बेटा, तुम बैठ के खेल देखो, मैं अंदर जाती हूँ। अच्छा माँ। अरे दादाजी, दादाजी आप कहाँ गए थे? यूँ ही बेटा, तुम्हारे नाना जी के साथ था। आप क्रिकेट खेलिए ना। खेलूंगा बेटा, तुम कहे तो खेलूंगा। नाना जी आप भी खेलिए ना। बेटा मुझे खेलना नहीं आता, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। अच्छा। लीजिए दादाजी, आज तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। चंदन, दादाजी को पहले बॉल में आउट करता हूँ। नहीं नहीं, दादाजी को कोई आउट नहीं कर सकता। बेटे,
मैं आउट हो गया। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ से मिला हूँ। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, क्या कहा डॉक्टर ने? अनु को मत बताना, खबर अच्छी नहीं है। क्या दादाजी? कौन बेटा? माँ मुझे एक सपना आया। कैसा सपना बेटे? मैं दिवाली मना रहा हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला है, तारे जगमगा रहे हैं। दादाजी दिवाली को और कितने दिन हैं? बस थोड़े दिन है बेटा, क्यों? इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे ना? हाँ बेटा बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अब तुम सो जाओ बेटा। आइए चाचा जी, बैठिए। कैसे तबियत चंदन की? इंजेक्शन से कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा जरूर हुआ, दर्द भी कम था और रात सोया भी। और चाचा जी हम कर ही कह सकते हैं सिवा तकलीफ कम करने के। जानता हूँ बेटा, कह रहा था कल रात सपना देखा, दोस्तों के साथ दिवाली मना रहा है और चाहता है कि इस बार बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाए। लेकिन चाचा जी दिवाली को तो अभी एक महीना बाकी है और मैं समझता हूँ कि चाचा जी आप एक काम कीजिए, एक हफ्ते के अंदर ही दिवाली मना लीजिए, छोटी दिवाली, मोहल्ले वालों को समझा कर। क्या कह रहे हो सुनील भैया, क्या इतना भी वक्त नहीं कि हम? महीना दो महीना भी नहीं। नहीं चाचा जी, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि शायद एक हफ्ता भी उसके लिए बस। एक हफ्ता? क्या हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? नहीं राजेश, कोई फायदा नहीं होगा, अब इसके लिए कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। चाचा जी हिम्मत से काम लीजिए, अगर भगवान का यही इंसाफ है तो उसे कौन टाल सकता है सुनील? लेकिन वो बड़ी सख्त सजा देता है, जानते हो बेटा, उसकी सजा की कोई अपील नहीं। पिछले जन्मों की पाप की सजा मुझे मिल रही है उसके जरिए, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसके मोह माया के बंधन में मैं जकड़ गया हूँ, वही मुझे छोड़ के जा रहा है प्रायश्चित की आग में झुलसने के लिए, ताकि मैं जलता भी रहूं और जिंदा भी रहूं। ठीक है दादाजी। बेटा हम बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे चंदन के लिए, उसकी खुशी के लिए हम झूठी दिवाली मनाएंगे। आओ बेटा। बाबूजी ये दिवाली एक महीना पहले क्यों मनाई जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं बहू, वो चंदन ने कहा था कि इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए इसलिए मैंने सोचा। लेकिन एक महीना पहले क्यों? क्योंकि बहू क्या हुआ है चंदन को? नहीं, तुम घबराओ नहीं बहू, तुम इस तरह घबराओ नहीं है। क्या हुआ है? तुम घबराओ नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। आप बताइए ना। मैं जानता हूँ तुम बर्दाश्त कर लोगी। क्या हुआ चंदन को? मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बहू, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता चंदन। बहू बहू सुनो, चंदन सुनो बहू, मेरी बात सुनो बहू, बहू बहू मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा, बहू मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत अच्छे अनार है ना? दादाजी
आप भी जलाइए। नहीं बेटा तुम ही जलाओ। चंदन जरा फुलझड़ी लेना। दादाजी बात सुनिए, आप जरा आंटी को समझाइए ना। तुम जाओ चंदन को बताओ। हाँ तो चंदन बताओ अब और क्या जलाएं? खत्म हो गए। अरे अभी तो बहुत पटाखे जलाने हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आया। बैठो बैठो। धीरज रखो बहू, तुम्हें जितना रोना है बाद में रो लेना। अभी अगर चंदन को शक हो गया कि इस बीमारी से वो बचेगा नहीं, तो उसकी जिंदगी की जो थोड़ी सी म्याद बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। समझ रही हूँ बाबू जी, कोशिश कर रही हूँ, आंसू नहीं रुक रहे। समझ लीजिए, जरा उसके साथ रहिए, जाके समझाइए। क्या समझाऊं राय साहब, अब तो समझाने की म्याद भी खत्म हो चुकी। आओ बच्चों सभी एक ले लो, चलो 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 चलो। हाँ ले लो ले लो ले लो। जो बंसी तुम ही जलाओ। नहीं बाबा मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं जलाऊंगा। अच्छा तुम यही ठहरो, मैं जलाता हूँ। हाँ बंसी उधर बैठ जाओ। कितने सारे अनार जल रहे हैं। युवन सिंह अब तो डर नहीं लग रहा ना। युवन सिंह दिवाली कैसी लगी? अरे ये तो असली दिवाली से भी अच्छी दिवाली। असली दिवाली? नहीं बोलू मैं नकली दिवाली है। नकली दिवाली? हाँ बाबूजी कहते थे कि ये दिवाली तुम्हें कुछ करने के लिए मनाई जा रही है, असली दिवाली को तो अभी एक महीने बाकी है। लेकिन दादाजी ने ऐसा क्यों किया? शायद मैं बीमार हूँ ना इसलिए। तुम इस बीमारी से बचूंगी नहीं चंदन, तो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले जाओ। हमेशा के लिए कहाँ? भगवान के घर में अपने डैडी के पास। दिवाली कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी? हाँ दादाजी, लेकिन ये दिवाली असली नहीं थी, आपने मुझे खुश करने के लिए मनाई थी ना। तुझे किसने कहा? लड़कों ने? मुझे मालूम हो गया दादाजी, मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। दादाजी। बेटा आपको याद है क्या डॉक्टर अंकल कह रहे थे? अगर एक की आंख दूसरे की आंखों में लगा दी जाए तो वो देख सकता है। तो? आप मेरी आंखें दीदी को दे दीजिए ना। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं चला जाऊंगा लेकिन दीदी मेरी आंखों से तुम्हें, माँ को, सबको देख सकेगी। कितना अच्छा होगा ना? बोलो दादाजी, मेरी बात रखोगे ना? दीदी को मेरी आंखें दे दोगे ना? ये क्या कह रहा है बेटा? माँ तुम मेरे पास ही रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे पास हूँ बेटा। दादाजी दादाजी मेरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है? मुझे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। माँ बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सुला दो ना, वो गाना गाओ ना। बेटा माँ भी गाना गाई। गाना मैं भूल गई बेटा। गाओ बहू, इसे सुला दो, इसे सुख की नींद सुला दो बहू, गाओ। मेरा राजा बेटा बूझे एक पहेली, सोए जग जागे सारी रात अकेली। माँ पंछी मुसाफिर नीत विदेशी लौट के घर आए
मेरा राजा बेटा बुझे एक पहली जमुना पे तट नाचे एक अलबेली। बोल बेटा बोल। राधा लुक छुप जाए आशा निराशा आँख में चले दिन रात तमाशा एक पल रोए थोड़ी देर हुई सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अब तक किसी को खबर नहीं कि सुनील तुम आई बैंक के सर्जन को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आओ। बाबूजी किसे फोन किया आपने? मैंने सुनील से कह दिया कि आई बैंक के सर्जन को नहीं, नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तो बहू होने दो, यही चंदन की आखिरी ख्वाहिश थी, हमें पूरी करनी है। बहू सुनो बहू, क्या तुम नहीं चाहती कि चंदन हमेशा हमारे साथ रहे? बहू इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि चंदन की आंखों की ज्योति कभी बुझे नहीं, हमेशा जिंदा रहे शिवानी के साथ। हाँ कह दो बहू, हाँ कह दो। मैं उसकी माँ हूँ, कैसे आकर दूँ? जानता हूँ बहू तुम्हारी दिल की हालत क्या है, लेकिन यही चंदन की अंतिम इच्छा थी। वो शिवानी को बहुत प्यार करता था, मान जाओ बहू, आओ मेरे साथ। राम करे बबुआ। अरे आओ राजेश भैया, हम अभी देश से आए और आते वक्त दादर से फूल भी ले आए। सब फूल दे दो गंगाराम। सब फूल? अरे तुम्हार शादी का मामला फिर? अरे का तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे बहादुर, अरे बोलो ना। बाहर चंदन भैया अभी दुनिया में नहीं है गंगाराम। कहा? नहीं नहीं ऐसी बुरी बात मत बोलो। अरे ये का बोलत है रे? हाँ गंगाराम, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। चलो फूल ले चलो, उसे सजा कर विदा करें। नहीं नहीं राजेश भैया नहीं। अरे हम नहीं जानत रहे कि जो फूल शादी और पूजा के काम आते हैं वही फूल अर्थी को भी शोभा बनब। अरे हम तो जन्मदिन पर बबुआ से बोलत रहे, अरे बबुआ तुम्हार शादी का सेहरा हम बना, अब उन्हीं हाथों से अर्थी कैसे सजाम? नहीं राजेश भैया नहीं, आज से हम फूल नहीं बेचब, नहीं बेचब रे। हे बबुआ बबुआ। चंदन भैया, चंदन। हेलो शिवानी। क्यों क्या हुआ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ शिवानी? तुम पता है कल रात को मैंने सपना देखा, चंदन बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं घबरा के चली आई। कैसा है चंदन? तुम मेरे साथ हो। क्यों चंदन अच्छा है ना? हाँ सो रहा है। ओह सोने दो, मैं बाद में मिलूंगी। Thank you.
बेटी धीरे धीरे आगे खोलो, खोलो, शाबाश, खोलो। अरे ये क्या? ये रोशनी है बेटे, धीरे धीरे फिर से आगे खोलो। आप कुछ देख सकती हो? मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, हाँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। मुबारक हो राय साहब। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतनी सूरत से तो तुम मुझे पहचानोगी नहीं। मैं हूँ दादाजी। हाँ बेटे, और ये लड़का है राजेश। और बहू जरा नजदीक आकर इन प्यारी आंखों को तो देखो। नहीं देखा, कहाँ है चंदन? जब से मेरा इलाज शुरू हुआ ना वो मुझे देखने आया ना उसकी आवाज सुनाई दी। कहीं बाहर क्या 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 हुआ माँ? आप लोग बोलते क्यों नहीं? दादाजी क्या वो अब तक बीमार है? मैं अभी उसे देखती हूँ। किधर है उसका कमरा? कमरे में बेटो बहू। चंदन भैया, चंदन कहाँ हो भाई तुम? चंदन, चंदन भैया कहाँ हो तुम? चंदन, चंदन ये कौन? यही चंदन था, यही मेरा चंदन था बेटी। क्या? नहीं, हमें छोड़ के चला गया। नहीं नहीं माने ही। रो मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज शिवानी तुम्हें चंदन की आंखों से देख रही है। हाँ बेटी, जाते वक्त चंदन अपनी आंखें तुम्हें दे गया था ताकि तुम देख सको। Yeah.